ट्रेडिंग लॉसेस किस तरह से आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट लिया और उस अकाउंटिंग प्रॉफिट को हमने कन्वर्ट किया टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में, तो फिगर हमारी नेगेटिव आ गई। प्रॉफिट आने के बजाय हमारे पास इसकी फिगर जो है वो नेगेटिव आ गई। सो ईयर ऑफ लॉस जो हमारा होगा, उस ईयर ऑफ लॉस में हमारा असेसमेंट क्या होगा? उस ईयर ऑफ लॉस में हमारा असेसमेंट होगा निल, हमें कोई टैक्स नहीं देना। अब हम उस लॉस के अगेंस्ट टैक्स वालों से क्या मांग सकते हैं? हम उस लॉस के अगेंस्ट टैक्स वालों से रिलीफ ले सकते हैं। तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ने जा रहे हैं कि जिस ईयर में लॉस आएगा उस ईयर में आपके पास लॉस रिलीफ ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। इंडिविजुअल बिजनेस के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वही पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हम पढ़ रहे हैं वो ऑप्शन इंडिविजुअल सोल ट्रेडर वाले भी पढ़ेंगे और वही ऑप्शन सेम एप्लीकेबल होंगे किसके ऊपर? पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जब कॉरपोरेशन में जाएंगे तो कॉरपोरेशन में भी तकरीबन यही ऑप्शन होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत माइनर सी मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी। क्या क्या पॉसिबल वेज हैं जिसके ज़रिए हम लॉस का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं? उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है कैरी फॉरवर्ड, फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट से ऑफसेट करना। दूसरा होता है अगेंस्ट टोटल इनकम, टोटल इनकम से ऑफसेट करना। टोटल इनकम से ऑफसेट करने में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, करंट ईयर से भी ऑफसेट कर सकते हैं किसी और इनकम से और प्रीवियस ईयर से भी ऑफसेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ, यानी कि बिजनेस अगर स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग ईयर्स में अगर उसको लॉस हुआ तो उसके लिए ये एक स्पेशल ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ है। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है विच इज़ कॉल्ड टर्मिनल लॉस रिलीफ, जो कि ईयर ऑफ सेसेशन के लिए अवेलेबल होता है। ये दो स्पेशल लॉस रिलीफ हैं जो कि हर बिजनेस के लिए अवेलेबल नहीं होते। ये उन बिजनेस के लिए अवेलेबल होते हैं जो या तो ओपनिंग स्टेज में हो या फिर क्लोजिंग स्टेज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। अब इनकी अलग अलग डिटेल हैं और वो डिटेल हमें पढ़नी है कि लॉस रिलीफ हम किस तरीके से ले सकते हैं। उससे पहले एक अगर ओवरव्यू लिया जाए इसका, तो वो ओवरव्यू हमें इस तरह से नज़र आएगा। ये देखें, लॉस रिलीफ इन ऑन गोइंग ईयर्स। तो एक हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन हमारे पास ये बनता है कि हम अगेंस्ट टोटल इनकम कर लें। ऑप्शन है, मैंडेटरी कुछ भी नहीं। अगर हम टोटल इनकम के अगेंस्ट कर लेते हैं तो रिमेनिंग लॉस हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर हम कुछ नहीं करते तो कैरी फॉरवर्ड ऑटोमेटिक होता है। अगर हम कुछ भी नहीं लॉस रिलीफ लेंगे तो टैक्स वाले ये समझते हैं कि आप कैरी फॉरवर्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। अच्छा, एक एडिशनल ऑप्शन इसके अंदर आएगा जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, और वो ये है कि आप करंट ईयर से ऑफसेट करने के बाद, आफ्टर दिस, ये मैंडेटरी है कि आफ्टर करंट ईयर हम क्या कर सकते हैं या आफ्टर टोटल इनकम हम क्या कर सकते हैं, उसको चार्जेबल गेन से भी ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम चार्जेबल गेन का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, करंट ईयर का ऑप्शन अवेलेबल है और कैरी बैक का ऑप्शन अवेलेबल है जो हम यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे पास जो कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन अवेलेबल है उसकी कंडीशंस क्या हैं, कैरी फॉरवर्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं। सो पहला लॉस रिलीफ हमारे पास है कैरी फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल हमारा ईयर ऑफ लॉस है 2021, ये हमारा ईयर ऑफ लॉस है और इसमें हमारे पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस आ रहा है
100,000। इसका मतलब है इस ईयर में हमें इसके ऊपर कोई टैक्स तो देना नहीं है क्योंकि नेगेटिव है। लेकिन अब हम क्लेम लेने जा रहे हैं किसके अगेंस्ट, कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब है अगला साल कौन सा आएगा, अगला साल जो हमारे पास आने वाला है 2021 के बाद उसका नेक्स्ट ईयर आएगा 2021-22। 2021-22 में आने वाले प्रॉफिट से हम अपने इस लॉस को ऑफसेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, हम फ्यूचर में कम टैक्स देंगे। अब कैरी फॉरवर्ड की क्या कंडीशन है, किन कंडीशंस के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसकी डेडलाइन क्या होगी, वो याद करनी पड़ेगी। सो ये कंप्लीट कैरी फॉरवर्ड की कंडीशंस हैं। कैरी फॉरवर्ड जो होता है इट्स एन ऑटोमेटिक रिलीफ। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि अंडरस्टूड बात है कि अगर एक शख्स रिलीफ क्लेम फॉर एग्जांपल कुछ ना बोले तो उसका मतलब क्या समझा जाएगा, उसका मतलब समझा जाएगा कि वो फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, वो अगले साल से ऑफसेट करना चाह रहे हैं। किससे ऑफसेट करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगेंस्ट फर्स्ट अवेलेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द सेम ट्रेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टोटल इनकम से ऑफसेट नहीं होगा अगले साल की, ये किससे ऑफसेट होगा, ये आपकी अगले साल आने वाली ट्रेडिंग प्रॉफिट से ऑफसेट होगा और उसी बिजनेस का होना चाहिए और पहला होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कर सकते कि 2021 में लॉस आया तो उसको 2025-26 में जाके ऑफसेट करें, आप ईयर स्किप नहीं कर सकते। टाइमिंग क्या है, कोई लिमिट नहीं है, कैरी फॉरवर्ड जिंदगी भर चलता रहेगा। अगर अगले साल लॉस प्रॉफिट नहीं आया तो उससे अगले साल, उससे अगले साल नहीं आया तो उससे अगले साल, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन करंट ईयर और कैरी बैक में एक फिक्स टाइम लिमिट होती है, लेकिन आपको अगले साल मैक्सिमम अमाउंट ऑफसेट करना पड़ेगा। पार्शियल ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड। क्या मतलब, मतलब 2021 में आपका लॉस आता है 100,000, 2021-22 के अंदर आपके पास प्रॉफिट आ रहा है से सपोज 120,000 का। अब आप कह रहे हैं कि यार मैं ऑफसेट करवाना चाहता हूँ 2021-22 में, मैं ऑफसेट करवाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 50,000 का लॉस, और 50,000 का मैं बाद में करवाना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, पार्शियल ऑफसेटिंग इज़ नॉट अलाउड। कितना ऑफसेट करवाना पड़ेगा, अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो फुल ऑफसेट करवाना पड़ेगा 100,000। तो हम कैसे ऑफसेट करवाएंगे, 2021-2022 का प्रॉफिट 120,000, उसमें से लॉस रिलीफ हमने ऑफसेट करवा दिया, तो 2021-22 में हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 का। फिर उसके बाद उसमें से बाकी चीज़ें माइनस होके फिर वो आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी। इफ़ नो स्पेसिफिक क्लेम इज मेड कैरी फॉरवर्ड ऑल लॉसेस, If specific claim is made against total income or chargeable gain, carry forward remaining unrelieved loss. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई और रिलीफ का मेथड ऑप्ट करते हैं और वहाँ से रिलीफ लेने के बाद कुछ लॉस बच गया तो वो अल्टीमेटली कहाँ जाना है, उसको फॉरवर्ड में जाना है। ठीक है, फॉरवर्ड के लिए क्लेम लेने के लिए आप टैक्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे और वो क्लेम अगर आपने नहीं लिया तो आपका क्लेम ज़ाया हो सकता है और उसकी डेडलाइन 2021 के लिए बनती है 4 साल आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। ये डेट याद कर लेना, 5 अप्रैल 2025। हमारा टैक्स ईयर एंड हो रहा है 5 अप्रैल 2021 में, तो 22, 23, 24, 25 चार साल बाद अगर वो क्लेम नहीं कर सके हम तो वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि जिस टैक्स ईयर में लॉस आएगा उसके अगले 4 साल के अंदर अंदर आपको वो क्लेम लेना है। तो कैरी फॉरवर्ड सबसे आसान है, कैरी फॉरवर्ड में इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरी फॉरवर्ड एग्जाम में भी अगर कैरी फॉरवर्ड कोई करना चाहे तो वो बड़े इजी तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। Edward has had the following recent tax-adjusted trading results. पहले साल year to December 18, 5,000 का loss. यानी कि tax year कौन सा बना? Tax year 18-19 में loss आ गया. उसके बाद उसका अगला साल है 19-20, उसके बाद अगला साल है 20-21,
assuming Edward wishes to carry the loss forward. सवाल में लिखा हुआ है कैलकुलेट हिज असेसेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट. 18-19 का कितना होगा, 19-20 का कितना होगा, 20-21 का कितना होगा. अब इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो स्पेसिफिक फॉर्मेट हम बनाएंगे, वर्किंग करके दिखाएंगे. तो कौन कौन से टैक्स ईयर हैं, 18-19 इसकी हेडिंग डाल लें, 19-20 की हेडिंग डाल लें, और इस तरह 20-21 की हेडिंग डाल लें. और यहाँ लिख दें टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस. अट्ठारह उन्नीस में हमारे पास लॉस था, लॉस की जगह निल लिखेंगे, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस की जगह माइनस में नहीं लिखेंगे, निल लिखेंगे. अच्छा जी, अब हम इसमें से लॉस रिलीफ ले रहे हैं कैरी फॉरवर्ड. तो 18-19 का लॉस कितना है, 18-19 का लॉस है 5000. इसको हम अगले साल से कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो हम इसका एक वर्किंग करेंगे जिसको हम कहते हैं लॉस मेमोरेंडम. ये शो करनी पड़ेगी अगर सेक्शन सी में आ गया सवाल तो. अगर आपको शो करना है तो वर्किंग शो करेंगे. सो आपका लॉस आ गया फॉर एग्जांपल 5000 का, और इसको हम ऑफसेट करेंगे अगले साल से, यानी इससे ऑफसेट करेंगे 19-20 से. तो 19-20 में हमने कितना ऑफसेट कर दिया, मैक्सिमम 3000 ऑफसेट कर दिया, 2000 का लॉस बच गया, ये 3000 यहाँ से ऑफसेट होगा. उसके बाद जो बाकी 2000 है वो अगले साल से ऑफसेट होगा. 20-21 से हमारा रिमेनिंग 2000 ऑफसेट हो गया. ये हमारा टोटल लॉस दो साल में ऑफसेट हो गया. सो लॉस ऑफसेट करने के बाद हमारे पास, हमने मेन प्रोफॉर्मा पढ़ा था, टोटल इनकम में से अगर हम लॉस रिलीफ माइनस कर दें तो हमारे पास नेट इनकम आती है. तो ये हमारे पास नेट इनकम आ गई, 18-19 में निल, 19-20 में निल, और 20-21 में 8000 की नेट इनकम. बाद में से इसमें पर्सनल अलाउंस माइनस कर दिया जाए तो ये अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम भी ज़ीरो हो जाएगी. अब कैरी फॉरवर्ड करने का फ़ायदा भी है, कैरी फॉरवर्ड करने का नुकसान भी है. कैरी फॉरवर्ड उस वक्त बेनिफिशियल है जब फ्यूचर में आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. लेकिन कैरी फॉरवर्ड के कुछ सिग्निफिकेंट नुकसान हैं. तो फ्यूचर में अल्टीमेटली नुकसान ये कि आपका जो भी बेनिफिट मिलता है ना, वो बेनिफिट डिले हो जाता है. बेनिफिट्स विल बी डिलेड. हो सकता है अगले साल प्रॉफिट ना आए, हो सकता है उससे अगले साल प्रॉफिट ना आए, हो सकता है उससे अगले साल प्रॉफिट ना आए. इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि आपको पता ही नहीं है कि आपका बिजनेस आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, नॉट बेनिफिशियल. हो सकता है कि आपको फ्यूचर में बिजनेस बंद करना पड़े. फिर अगर आपने बहुत सारे लॉसेस जमा किए हुए होंगे तो फिर आपके वो लॉसेस ज़ाया हो जाएंगे. सो जिन बिजनेस को ये पता होता है कि वो कंटिन्यूस नेचर के हैं, वो फ्यूचर में सर्वाइव करेंगे, उनके लिए तो बेनिफिशियल है. लेकिन जिन बिजनेस को ये पता नहीं होता कि वो फ्यूचर में बंद हो जाएंगे, तो वो अल्टीमेटली उन्हें ये नहीं करना चाहिए. तो हम स्पेसिफिकली अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, देर आर नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस. नंबर वन, इन अ प्रोलॉन्ग डिफिकल्ट ट्रेडिंग पीरियड फॉर अ बिजनेस रिलीफ मे टेक अ लॉन्ग टाइम टू मटीरियलाइज. टाइमिंग ऑब्टेनिंग रिलीफ इन अ लेटर पीरियड इज लेस एडवांटेजियस फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ कैश फ्लोज एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी. There is no certainty about the level of future trading profit and whether it will be possible to utilize the loss or not. हो सकता है कि बिजनेस को बंद करना पड़ जाए. तो इसलिए बेटर ये होता है कि पहले आप करंट ईयर या कोई और अल्टरनेट इस्तेमाल कर लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें. अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है टोटल इनकम के अगेंस्ट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी है. Against total income. इसमें मसले मसाइल ज़्यादा हैं.
अगेंस्ट टोटल इनकम का मतलब ये है कि आपके पास अगर ट्रेडिंग लॉस आ रहा है तो आपके पास इंटरेस्ट इनकम होगी, आपके पास डिविडेंड इनकम होगी, आपके पास प्रॉपर्टी इनकम होगी, उससे ऑफसेट किया जा सकता है और करंट ईयर में भी किया जा सकता है, और आप चाहें तो उसको कैरी बैक एक साल तक पीछे ले जा सकते हैं, पिछले साल के प्रॉफिट से भी ऑफसेट करवा सकते हैं, लेकिन उस पर एक टाइम बाउंडिंग है कितने महीने की, कितने महीने पीछे जा सकते हैं, कैरी बैक कर सकते हैं। करंट ईयर से ऑफसेट करवाएंगे, करंट ईयर से ऑफसेट करवाएंगे तो वो ऑफसेट हो जाएगा, आपकी इनकम को कम कर देगा, कैरी बैक करेंगे तो आपको कैश रिफंड मिलेगा, क्योंकि पिछले साल तो हम टैक्स दे चुके होंगे ना, तो जो टैक्स दिया हुआ होगा उसमें से आपको कुछ अमाउंट वापस मिल सकता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि हम पहले करंट ईयर कर लें, करंट ईयर से ऑफसेट ना हो, सही है, तो फिर हम कैरी बैक कर लें, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है, पहले कैरी बैक कर लें और कैरी बैक से ऑफसेट ना हो सके 100%, तो फिर करंट ईयर से ऑफसेट कर लें, यानी कि इसके अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। ये भी कर सकते हैं हम कि हम कैरी बैक करें ही ना, करंट ईयर से ऑफसेट करें और उसके बाद फॉरवर्ड पे चले जाएं, लेकिन एक दफा अगर हम फॉरवर्ड पे चले गए तो फिर हम बैक होकर नहीं आ सकते, और ये भी पॉसिबल है कि हम कैरी बैक करें और फिर फॉरवर्ड पे चले जाएं, करंट ईयर इस्तेमाल ना करें। ये सब ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अपील कर रहा है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और उस ऑप्शन को फिर हम यूटिलाइज करते हैं और फिर उससे बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल देखें, ये एक बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, इसका टैक्स एडजस्टिंग रिजल्ट्स दिए हुए, दिसंबर 19 में इसको प्रॉफिट हुआ 10,000 का, दिसंबर 2020 में इसको लॉस हुआ 6,000 का, ये लॉस ईयर हो गया, ईयर ऑफ लॉस हो गया, और सब्सिक्वेंटली उसके पास प्रॉफिट है 12,000 का। Explain how Abbas can utilize the loss arising in December 2020, assuming he claims to offset it against total income. देखें, वैसे ऑप्शन देखा जाए तो इसके पास एक ऑप्शन तो कैरी फॉरवर्ड का है, ये करंट ईयर को अगले साल से इजीली ऑफसेट कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन उसने हमें बाउंड किया टोटल इनकम। टोटल इनकम से बाउंड करने का मतलब है या तो हम करंट ईयर से ऑफसेट करें या फिर पिछले साल में जाकर ऑफसेट करें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस 6,000 को करंट ईयर में, तो हमारी अगर कोई अदर इनकम होगी तो उससे ऑफसेट कर सकते हैं, और अगर अदर इनकम नहीं है तो हम प्रीवियस ईयर से 19-20 के प्रॉफिट से भी ऑफसेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ प्रॉफिट मौजूद है पिछले साल, हम उस प्रॉफिट से भी ऑफसेट कर सकते हैं। तो हम 20-21 में अदर इनकम से कर सकते हैं और पीछे जाके टोटल इनकम में से कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, प्रोवाइडेड दैट कि हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, Another question. अच्छा, एग्जाम में जब आपको ये कहा जाए कि लॉसेस को एज अर्ली एज पॉसिबल ऑफसेट करें, तो इसका मतलब हमेशा ये होता है कि करंट ईयर और कैरी बैग इस्तेमाल करें। तो जब तक एग्जामिनर आपको बाउंड ना करे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। रीसेंट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग रिजल्ट्स आर एज फॉलोस, ईयर एंडेड जुलाई 18 में प्रॉफिट हुआ, अगले साल लॉस हुआ, उसके बाद अगला साल प्रॉफिट है, उसके बाद अगला साल प्रॉफिट है, अदर इनकम हर साल दी हुई है 12,000, उसकी नेट इनकम हमें निकालनी है, ऑल टैक्स ईयर अफेक्टेड एज्यूमिंग, पहला ऑप्शन क्या है,
ए अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो कह रहा है टोटल इनकम से ऑफसेट नहीं करना। तो अगर टोटल इनकम से ऑफसेट नहीं करना तो व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल देन? फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता? फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है ना कैरी फॉरवर्ड का। दूसरे में वो कह रहा है क्लेम अगेंस्ट टोटल इनकम फॉर द लॉस एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जब एज अर्ली एज पॉसिबल की बात की जाती है तो इसका मतलब है करंट कैरी बैक, और ये किसी भी ऑर्डर में किया जा सकता है करंट और कैरी बैक। तो पहले तो हम पहला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं कैरी फॉरवर्ड का। अब उसके लिए प्रोफॉर्मा बना लिया जाए। तो एयर स्टार्ट हो रहा है 18-19 से ना, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22। तो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट। अट्ठारह हजार का प्रॉफिट था, प्रॉफिट अपनी जगह लिख दिया हमने। ईयर ऑफ लॉस कुछ नहीं लिखेंगे। 13,000 का प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट। अच्छा, अब अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड किससे किया जाता है? ये हमने पढ़ा है कि कैरी फॉरवर्ड तो अगले साल आने वाली इनकम से किया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे लॉस रिलीफ कैरी फॉरवर्ड। यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि लॉस ही 19-20 में हुआ है, 19-20 में भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगले साल से ऑफसेट होगा। तो लॉस था कितना? 18,000। कितना ऑफसेट हो गया? 13,000 ऑफसेट हो गया। आउट ऑफ 18,000 13,000 ऑफसेट हो गया। बाकी कितना बचा? बाकी बचा 5,000। 5,000 अगले साल से ऑफसेट हो गया। ये पूरा लॉस हमारा ऑफसेट हो गया और हमारे पास यहाँ नेट इनकम बच रही है 18,000 की। यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो और यहाँ पर 10,000। फिर इस नेट इनकम में से हम पर्सनल अलाउंस माइनस कर देंगे तो फिर ये हमारा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन अगेंस्ट टोटल इनकम। तो अगर हम अगेंस्ट टोटल इनकम करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम करंट ईयर से भी ऑफसेट कर सकते हैं और कैरी बैक भी कर सकते हैं। दोबारा 18-19, 19-20, 20-21 एंड 21-22 टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस। सो 18-19 में हमारे पास 18,000 का प्रॉफिट है, 19-20 में लॉस है, 20-21 में 13,000 का प्रॉफिट है और 21-22 में हमारे पास 15,000 का प्रॉफिट। अब क्योंकि टोटल इनकम से करना है तो पहले हम इसमें अदर इनकम ऐड कर देते हैं, इसको टोटल इनकम बनाते हैं। तो अदर इनकम हमारे पास सवाल में दी हुई थी 12,000 पर एनम। ये अदर इनकम इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है, डिविडेंड भी हो सकता है, हर साल 12,000 पर एनम। तो इनको प्लस करके पहले टोटल इनकम बनाया जाएगा, फिर लॉस रिलीफ लिया जाएगा। तो ये आपकी टोटल इनकम बन गई। अब ईयर ऑफ लॉस है 19-20। अगर ईयर ऑफ लॉस 19-20 है तो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि हम 19-20 से भी ऑफसेट कर सकते हैं, ठीक है, और हम कैरी बैक भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन हम यूटिलाइज करना चाहें तो हम करंट ईयर से लेकर चलते हैं इसको। तो हमारे पास करंट ईयर से अगर हम ऑफसेट करना चाहें तो करंट ईयर है हमारा 19-20। 19-20 में हम कितना लॉस ऑफसेट कर सकते हैं? 19-20 में हम 12,000 का लॉस ऑफसेट कर सकते हैं। लॉस था कितना? लॉस था 43,200। यहाँ एक वर्किंग कर लेते हैं, लॉस मेमोरेंडम 19-20 का लॉस 43,200।
तो इसको हम 19-20 से ही ऑफसेट करेंगे, 12,000 ऑफसेट हो गया 19-20 में, 43,200 में से 12,000 माइनस किया, रिमेनिंग लॉस 31,200। अच्छा यहाँ मैंने ओपनिंग की जगह छोड़ी नहीं, इसमें ओपनिंग की जगह छोड़ देनी चाहिए थी, चले वो हम अगले फॉर्मेट में कर लेंगे। तो ये 12,000 ऑफसेट हो गया, रिमेनिंग लॉस कितना बचा 31,200। अब मैं इसे कैरी बैक कर सकता हूँ पिछले साल, पिछले साल में कितना पॉसिबिलिटी मौजूद है, पिछले साल में 30,000 का इनकम है, ये पूरा ऑफसेट हो सकता है पिछले साल से 30,000। इसका मतलब है 1,200 का बच गया लॉस, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि ये 20-21 से ऑफसेट होगा, 20-21 में हम इसे कैरी फॉरवर्ड करके दिखा सकते हैं, हमने दिखाया नहीं लेकिन हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं कि 20-21 से ऑफसेट हो सकता है। मैं एक फॉर्मेट और बना दूंगा अभी ताकि हमें उसमें क्लेरिफाई हो जाए कि हम ये फॉरवर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, अगेंस्ट टोटल इनकम, तो इस 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट, उसके बाद मैं ओपनिंग लॉस रिलीफ का कॉलम ब्लैंक छोड़ दूंगा, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला ना, हमेशा ये करना चाहिए, और उसके बाद अदर इनकम।